याची गॅरंटी पाहिजे तुम्हाला, पाहिजे तुम्हाला तर फटाफट नागरत्ना चॅनलवर जा आणि सबस्क्राईब करा. मी आहे शालिनी हुबलीकर आणि मराठी माध्यमातील मुलांसाठी मी सुरू केला आहे मराठी चॅनल नागरत्ना. सलाम, नमस्ते, सत्री अकाल, केमचे तुम्ही, मजा मने, कसे आहात तुम्ही, मजेत ना, है गिद्दारी, चलो इद्दारी, वेरी गुड. देखो अभी मैं धीरे धीरे मेरे लैंग्वेज बढ़ाती हूँ, हाँ, और करेक्ट करना तुम लोग, ओके. तो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम जो है 8 स्टैंडर्ड का लेसन, ठीक है. तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए मेरे बच्चों को, कब से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन सॉरी बच्चों, एक जान कितने काम करूँ मैं अकेली, इसके लिए लेट हो जाता है मुझे वीडियोस अपलोड करने में, और मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना मुझे उतनी तुम लोग के लिए बनाने के लिए, सब लिख के, सब सोच समझ के, अप टू डेट लिख के फिर वीडियो अपलोड कर सकती हूँ ना मैं. तो वैसे भी तुम लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो कि मैं जो बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ वो लोग भी, आप लोग भी रियलाइज़ कर रहे हो, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है और मुझे खुशी भी मिलती है कि हाँ बाबा, मेरे बारे में भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनके पेरेंट्स हैं वो लोग सोचते हैं. लेकिन जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, वरना आप लोगों को मेरे जो न्यू वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन और मेरे जो लाइव स्ट्रीम आएंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. लाइव स्ट्रीम में आप लोग आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसे ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हैं, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ शालिनी हुबलीकर यूट्यूब चैनल में. तो आप लोगों के लिए मैंने ये जो मेरा चैनल है बिल्कुल मुफ्त रखा है, क्योंकि मेरा जो एम है बच्चों को पूरा नॉलेज देने का, कंप्लीट लेसन सिखाने का, तो ताकि बच्चों को समझ में आए कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये जो मैं चाहती हूँ उसे हर घर घर हर बच्चे तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी है, और आप लोगों के हेल्प के बिना मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगी. तो आप लोग दोगे ना मेरा साथ. तो ये मंथ एंड के पहले हम लोगों का टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. तो फटाफट फॉरवर्ड कीजिएगा जो है बिल्कुल मुफ्त, ठीक है. तो चलो फिर मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. अगर आप लोगों ने लेसन नहीं देखा है इसका एक्सप्लेन किया हुआ तो प्लीज़ देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स देखना, वरना कुछ भी फ़ायदा नहीं है क्वेश्चन और आंसर्स देख के. सिर्फ हम लोग को नोटबुक नहीं भरना है, सिर्फ नोटबुक भर के मार्क्स नहीं पाने हैं, बल्कि हम लोग को लेसन समझना है, ठीक है. तो चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें का जो करेक्ट ऑप्शन दिए है 4, उसमें का जो करेक्ट ऑप्शन है चुनकर आप लोगों को सेंटेंस कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट का है ए, द अर्थ रिक्वायर्स 24 आवर्स फॉर 1 रोटेशन इन 1 आवर, 15 longitudes will face the sun. तो इसका आंसर ये है, ठीक है. फिर बी, टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड एनी टू प्लेसेस ऑन द अर्थ द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ देयर longitudes शुड बी नोन. लेसन जब एक्सप्लेन किया है उसमें सब ये एक्सप्लेन करके हो गया है, इसके लिए मैं फिर से कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ. सिर्फ अगर आप लोगों ने भी लिखे होंगे तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं आपके आंसर सही है या नहीं, ठीक है. उसके बाद है सी, द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स इज 4 मिनट्स, ओके. अभी देखो
यहाँ पर डिफरेंस का उन लोगों का जो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, होता है ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है। तो जब मेरा कभी गलती से एक आधा स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो सब लोग मेरी नाक खींचते हैं तुम लोग। एनीवेज नो प्रॉब्लम, खींचो खींचो। क्वेश्चन नंबर टू, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। द लोकल टाइम इज डिसाइडेड बाय द नून टाइम, तो लोकल टाइम को नून टाइम के ऊपर डिसाइड क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को इस तरह से लिखना है, 10-1 पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे ना तो आप लोगों को आंसर लिखने में इजी जाएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को जो आंसर्स है वो पॉइंट्स में दिए हुए है। 1, द सन रीचेस द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे टाइम इज ओवर एंड दिस टाइम इज कंसीडर्ड 12 नून, जब सन सर पे आ जाता है तो उसे कहते हैं 12 नून। 2, द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एज डिसाइडेड, अभी देखो जब भी कोई भी सेंटेंस हम लोग हाफ यहाँ पर लिख के आगे कंटिन्यू करते हैं तो डैश करना है हम लोगों को, बाय द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई इज कंसीडर्ड एज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। ओके, 3, ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ when a particular longitude comes exactly in front of the sun it is considered as noon time means 12 noon, आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख कर बताया है। noon time बोलेंगे तो भी वो afternoon का time होता है, यानी 12 o'clock on that longitude, this noon time is considered as local time of that longitude, in this way the local time is decided by the noon time, है ना, एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को आंसर दिया हुआ है। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बी, द लोकल टाइम एट ग्रीनविच इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, तो लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया जाता है, तो क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसका आंसर है ये, द इंटरनेशनल वन है या ये वन, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू 0 degree longitude, ओके, 2, 0 degree longitude passes through Greenwich, ओके, Greenwich, England, ठीक है, वो गलती से ग्रीनविच हो गया था मेरा, फिर आता था कमेंट में मिस आपने ग्रीनविच लिख दिया था, उसमें फर्स्ट नंबर है तुम लोगों का, ठीक है। 3, फॉर एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इट इज एसेंशियल टू ब्रिंग कंपेटिबिलिटी बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फॉर दिस पर्पस द लोकल टाइम एट ग्रीनविच इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, है ना, आसान लैंग्वेज भी एकदम सिंपल है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, मुझे तो पता है आप लोग तो अभी आज बहुत ही खुश होने वाले हैं क्योंकि आपको इसके क्वेश्चन और आंसर जो मिल गए। उसके बाद है डी, कनाडा है 6 डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम, अरे सॉरी ये यहाँ पर रह गया सी, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया हैज बीन डिसाइडेड बाय द लोकल टाइम एट 82.5 degree ईस्ट longitude, तो क्या है इसका रीजन? तो इसका आंसर आएगा
yay. With respect to the longitudinal extent 82°30' longitude passes through the middle of India. Okay? उसके बाद second point है the difference between the local time at 82°30' longitude and the local time at the extreme east and west longitude passing through India is not more than 1 hour. Therefore, the standard time of India has been decided by the local time at 82°30' longitude. ठीक है? Good. अभी देखते हैं अगला सवाल. तो नेक्स्ट है डी. कनाडा है 6 डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम्स. तो कनाडा में 6 डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम्स होने का रीजन क्या है? तो इसका आंसर है ये. 1. The longitudinal extent of Canada is between 52°37' west and 141° west. 2. Thus, the difference between the extreme east and west longitude passing through Canada is of 88°. 3. The difference between the local time at extreme east and west longitude passing through Canada is of 352 minutes. That is, IE का मतलब होता है that is 5 hours and 52 minutes. Therefore, it is not practically helpful to consider single standard time in Canada. Therefore, for synchronizing the routine activities in the country, Canada has 6 different standard times. Okay? Clear? Okay, very good. Question number 3. Answer in brief. बहुत ही important है ये. ठीक है? A. If it is 12 noon at 60° east longitude, then explain what would be the time at 30° west longitude. तो इसका जवाब है, तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. आंसर इन ब्रीफ. क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, मैंने डायरेक्ट आंसर ही आप लोगों को दिया है. ए का आंसर है 1. द डिफरेंस बिटवीन 60° east लॉन्गिट्यूड एंड 30° west लॉन्गिट्यूड विल बी ऑफ 90°. द डिफरेंस ऑफ 60° बिटवीन 0° and 60° east plus the difference of 30° between 0° and 30° west equal to 90°. ये जब लेसन सिखाया हुआ है उस समय में ये सिखाया हुआ है आप लोगों को. ठीक है. 2. डिफरेंस इन लोकल टाइम इक्वल टू 19 × 4 इक्वल टू 360 minutes. क्या क्या मल्टीप्लाई किया? 360 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स टोटल 6 hours. ओके, तो 2. लॉन्गिट्यूड्स लाइंग टू द ईस्ट ऑन एनी लॉन्गिट्यूड आर अहेड ऑफ द टाइम ऑफ दैट लॉन्गिट्यूड व्हाइल दोज लाइंग टू द वेस्ट आर बिहाइंड. 4. देयरफॉर If it is 12 noon at 60° east longitude, then it would be 6 a.m. at
30 degree west in longitude behind by 6 hours. Okay, clear? No doubt? Very good. अगर doubt है तो फिर जाके video देखो, फिर से पूरा revision भी हो जाएगा तुम लोग का और mistake नहीं करोगे तुम लोग. Okay? फिर उसके बाद का है question B. How is the standard time of a place determined? तो किसी भी place का standard time हम लोग किस तरह से determine कर सकते हैं? तो इसका answer है ये. One, the local time at the longitude passing through the middle of a country or place is generally considered as a standard time of that country or place. Okay? Second, if the difference between the local time at the extreme east and west longitude passing through a country is less than 1 or 2 hours, one standard time is considered for a country. Thus, there exists only one standard time in a country having comparatively less longitudinal east-west extent. ठीक है? 3. If the difference between the local time at the extreme east and west longitude passing through a country is more than 1 or 2 hours, more than one standard time zones are considered for a country. Thus, therefore, exists more than one standard time zones in a country having comparatively more longitudinal east-west extent. ठीक है? Good. तो अभी हम लोग देखते हैं अगला सवाल. उसके बाद है C. A football match being played at São Paulo, Brazil started in India at 6 AM IST. IST का मतलब है Indian Standard Time. Explain what would be the local time at São Paulo. तो क्या है भाई local time São Paulo का? तो इसका जवाब है यहाँ पर. Answer C. Statement. For any longitude lying to the west of particular longitude, the local time decreases by 4 minutes. ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, lesson जब explain किया है तभी. For every longitude, São Paulo is located in the west of India. 2. The difference between the longitudes of São Paulo and India equal to 127 degree 30. 3. Difference in local time equal to 127.5 into 4, 510 minutes. ये equal to है. Equal to 510 minutes divided by 60 minutes equal to 8 hours 30 minutes. 4. Thus, if it is 6 a.m. at India, it would be 9:30 p.m. of the previous day at São Paulo. Therefore, if a football match is being played at São Paulo, Brazil started in India at 6 a.m. IST, Indian Standard Time. आप लोग को समझने के लिए मैंने लिखा है उसका full form. The local time at São Paulo would be 9:30 p.m. of previous day. तो ये है इसका answer. Okay? Good. उसके बाद question number 4 में उन लोगों ने क्या दिया है? If it is 10 p.m. on 21st June at prime meridian,
write the dates and time of at A, B and C in the table. तो आप लोगों को इस तरह से टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा अगर एग्जाम में ये आएगा तो. प्रॉपरली इस तरह से टेबल बना के आप लोगों को आंसर्स लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना गए आपके मार्क्स, फिर बड़ा सा अंडा मिलेगा. ठीक है, इसके लिए बिल्कुल भी सुस्ती मत करना आप लोग बॉक्स बनाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आप लोग को प्लेस, लॉन्गिट्यूड कितना है, डेट क्या है, टाइम क्या है. ए लॉन्गिट्यूड है 120 डिग्री ईस्ट, तो डेट आएगा 22 जून और टाइम आएगा 6 AM. AM यानी मॉर्निंग मालूम है ना तुम लोग को, और PM यानी इवनिंग. ठीक है, बी 160 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, डेट है 21 जून और टाइम है 11:20 AM. ठीक है, 11:20 AM. उसके बाद है सी लॉन्गिट्यूड है 60 डिग्री ईस्ट, डेट है 22 जून और टाइम है 2 AM. ठीक है, क्लियर, ओके. अभी उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है उन्होंने, राइट द सिचुएशंस ऑफ प्लेस ए शोन इन दीज डायग्राम्स इन द बॉक्सेस बिलो देम. तो यहाँ पर उन लोगों ने नाम दिए हुए हैं, तो डायग्राम देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या वक्त चल रहा होगा. तो फर्स्ट वाला जो है ये है मिडनाइट, सेकंड वाला जो है वो है सनसेट, थर्ड है सनराइज और फोर्थ है नून यानी आफ्टरनून. उसके बाद दी गई है एक्टिविटी जो स्कूल की टीचर आप लोगों को सिखाती है, तो हम लोग ये छोड़ देते हैं. ठीक है, आपका काम तो हो गया है ना, आप लोगों को तो मिल गए क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो आप लोग अभी क्या करोगे मेरे लिए, तो फटाफट मेरे चैनल का लिंक है वो फॉरवर्ड करो सारे बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सके मेरा चैनल. ठीक है, सब बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए, सब बच्चे अच्छे से सीखने चाहिए, यही मेरी आशा है, इच्छा है, और वो आप लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकेगा. तो प्लीज़ मेरे लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए. ये मंथ एंड तक अपना टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने का, तो आप लोगों को मुझे साथ देना है इसके लिए. ठीक है, तो जो मैं मेहनत करती हूँ वो मैं समझूंगी मेरी मेहनत सफल हो गई, और इसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं है, बिल्कुल भी फ्री है. तो कोई भी डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है ना. और सामने से मैं बोल रही हूँ आप लोगों के, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने दो. और जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताते रहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को लेसन्स में से बीच में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में, आंसर इन ब्रीफ में. तो लेसन रीड करने की हैबिट कर लो आप लोग. अभी तक जो पढ़ने के लिए सुस्ती करते थे ना और रट्टा मारने आप लोग मास्टर हो गए थे, रट्टा मास्टर, तो अभी चलने वाला नहीं है आपका ये रट्टा मारो आंदोलन, तो बंद करो, अभी लेसन ही समझ लो. ठीक है, तो ओरल में भी पूछेंगे प्लस रिटर्न में भी, एग्जाम में का ही, इसमें बुक में का ही पूछा जाएगा आप लोगों को. तो बुक्स रीडिंग करना कंपल्सरी है आप लोगों को, या फिर 5-6 बार मेरा वीडियो देख लेंगे तो भी आप लोग का हो जाएगा अपने आप रीडिंग. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट तुम लोगों को, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.